तो आ गए दोस्तों, आप लोग आइए फिर। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये भर्ती है गुजरात में सिर्फ महिलाओं के लिए। गुजरात में आंगनवाड़ी महिलाओं के लिए भर्ती निकली हुई है दोस्तों, 7वीं और 10वीं पास के लिए। 7वीं और 10वीं पास के लिए सिर्फ इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो आंगनवाड़ी में भर्ती निकली हुई है, इसका फॉर्म कहाँ से मिलेगा और जमा कहाँ करना है, इसकी पूरी प्रोसीजर कहाँ है, क्या है, और भर्ती कहाँ कहाँ निकली है, कौन कौन से ज़िला में निकली हुई है, कौन कौन से तहसील में निकली हुई है, कौन कौन सी जगह पे निकली है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा लो दोस्तों। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ इसकी नोटिस पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, ये लिस्ट है दोस्तों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कार्यकर वेगनवाड़ी भर्ती, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर्ती, फक्त स्त्री उम्मीदवार, संकलित बाल विकास योजना कचेरी गांधी विकास गठन माटे कार्यक्षक टेरागढ़ बहनों माटे खाली जगह तथा भविष्य में खाली पड़ना जगह माटे संभवित जगह में करवानी थाय छे। तो ये सब वैकेंसी है, वैकेंसी की डिटेल है दोस्तों, किस किस जगह आप देख लो, आप मैं बता दूँगा आपको। और उस हिसाब से जैसे गांधीनगर में है, गांधीनगर में ये गाँव में है, इस गाँव में इतनी वैकेंसी है, वैकेंसी की नंबर है कितनी वैकेंसी है, ठीक है। शेरथा दंताली सेक्टर 24, डोरा कुआ, कोलवाड़ा, पंथापुर, ये नवाब पिपला, ये सब आप देख सकते हो। उसी तरह गांधीनगर वन में और भी है, आंगनवाड़ी की ये सब आप जगह दे सकते हो, और ये सब अपना स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट में आपको पता चल जाएगा। अब इसकी डिटेल क्या है, डिटेल देखते हैं दोस्तों। आपको कम से कम 10वीं पास होना चाहिए और पेड़ागढ़ के लिए 7वीं पास होना चाहिए। आपकी उम्र 18 से 33 साल के बीच होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। आप वहाँ के नागरिक होने चाहिए, आपका जो लगन है, लगन की नोंदनी आपने किया हुआ होना चाहिए, स्थानीय आपको रहीस होना, वहीं के रहने वाले होने चाहिए, उसके लिए आपका राशन कार्ड, चुटनी कार्ड या तलाटी कम मंत्री का दाखिला की नकल आपको देनी पड़ेगी। आपको जो ये सब इसी लिए ज़रूरी लायक आते हैं दोस्तों। और इसका कम से कम आपको फॉर्म मिलेगा जो है, अर्जी नमूना है, उसी हिसाब से आपको भर के देना है, कोई ऐसे वैसे फॉर्म भर के नहीं देना है। अर्जी आपको बाल विकास और योजना अधिकारी ICDS शाखा घटक है, MS बिल्डिंग, 3 मार्ग B ब्लॉक, सेक्टर 11, गांधीनगर तालुका जिला गांधीनगर, यहाँ पे मिलेगा। और गांधीनगर घटक 2 का इस एड्रेस पे मिलेगा, पढ़ने जाऊँगा लंबा हो जाएगा। जब आप अर्जी करते हो तो एनवलोप पे जो कवर होता है, लिफाफा होता है, उसके ऊपर आपको घटक 1 अर्जी ऊपर घटक 1 लिखना है और घटक 2 की अर्जी के ऊपर घटक 2 लिखना रहेगा। आपको शादी टपाल से, स्पीड पोस्ट से या रूबरू में आपको भेजना रहेगा ये जो एप्लीकेशन है, इस कोरियर से भेजोगे वो मान्य रहेगा नहीं। तो आपको स्पीड पोस्ट से भेज देना है या रूबरू जाके इस एड्रेस पे ही जमा कर देना है, ठीक है दोस्तों। इसके लिए फटाफट आप अप्लाई कर दो। आपकी बहन हो, कोई सिस्टर हो, वाइफ हो, अगर कोई नौकरी करना चाहता है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन आप उनको बताओ उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन दबा दो, ताकि भर्ती के विज्ञापन और लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। जय हिंद दोस्तों।